Hello everyone welcome to another video in this video we are going to talk about the important question of method of teaching english and we will discuss the what are the bilingual language and the translation method and what are the merits and demerits of these two language bilingual and the translation method we have already discussed about direct method i hope you have watched the direct method videos so let's get started this video with what is the bilingual language method what is the bilingual method is तो देखिए आसान भाषा में समझ जाइए बाई का मतलब होता है दो भाषाएँ ठीक है थीके? दो लैंग्वेज इसका मतलब होता है बाई लैंग्वेज इसका कहने का मतलब ये कि जब आप इंग्लिश किसी को पढ़ाते हैं आप पढ़ाते तो इंग्लिश है लेकिन बच्चों को समझाने के लिए आप अपने मदर टंग का यूज़ करते हैं उसी को बाई लैंग्वेज कहते हैं और बेस्ट एग्जाम्पल्स बाई लैंग्वेज का है ब, वो इस ये वीडियो है क्योंकि मैं आपको बता तो इंग्लिश रहा हूँ लेकिन आपको समझा रहा हूँ हिंदी में इसी चीज़ को यहाँ पे देखिए इन दिस मेथड द टीचर यूज़ मदर टंग टू अचीव द टारगेट लैंग्वेज हियर इट इज़ इन इंग्लिश आपका यहाँ पे टारगेट लैंग्वेज क्या है इंग्लिश है तो जब हम टारगेट लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए अपने मदर टंग का इस्तेमाल करते हैं वही बाय मेथड होता है ठीक है तो इन दिस मेथड द टीचर यूज मदर टंग टू अचीव द टारगेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ठीक है अब यहाँ पे आइए थोड़ी सी इसको एक्सप्लेन करेंगे बाई मेथड इज द वन ऑफ मेनी टीचिंग मैथड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सी जे हु सी जे डॉटसन हैड इन्वेंटेड दिस मैथड ऑफ टीचिंग फॉरन लैंग्वेज इन नाइनटीन कौन सीजे डॉटसन ने बायोलिंग्वेल मेथड का आविष्कार किया था खोज किया था अब आइए स्कूल यूज दिस मेथड वेयर टू लैंग्वेज दैट इज द मदर टंग एंड द टारगेट लैंग्वेज आई यूज वो वहाँ जहाँ पे मदर टंग और टारगेट लैंग्वेज यहाँ पे टारगेट लैंग्वेज कौन सा इंग्लिश है तो द स्कूल यूज़ दिस मेथड वेयर द टू लैंग्वेज दैट इज मदर टंग एंड द टारगेट लैंग्वेज आर यूज इसमें क्या होता है भाई इन दिस मेथड द टीचर्स यूज़ द मदर टंग टू अचीव द टारगेट लैंग्वेज कहने का सिंपल सी बात है जब आप इंग्लिश को पढ़ा रहे हैं लेकिन उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने मदर टंग में तो वो हो जाता है बाई मैथड अब देखिए दिस मैथड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस विच इज़ फाउंड बिटवीन द टू लैंग्वेजेस जब दो लैंग्वेजेज़ के बीच में डिफरेंस होता है और सिमिलैरिटी होती है तो वही इसका आधार बन जाता है ठीक है इंग्लिश और हिंदी में डिफ डिफरेंस है काफ़ी अंतर है तो उसी आधार पे इंग्लिश को आप हिंदी में समझाते हैं ठीक है, है समझाते हैं याद रखिए समझाते हैं इसे बाइलिंग्वल बा का मेथड समझा के पढ़ाना अपने मदर टंग में समझा के पढ़ाना तो जब आप अंग्रेजी को अपने मदर टंग में समझा के पढ़ाएंगे तो उसका एडवांटेज क्या होगा बच्चों को क्या फ़ायदा होगा देखिए द टीचर इज एबल टू टीच इंग्लिश द टू द इंटायर सेटिस्फैक्शन ऑफ द स्टूडेंट विद्यार्थी को पूरी तरह से संतुष्ट कर सकते हैं आप क्योंकि जब उसको उसकी मातृभाषा में समझाएंगे दूसरा क्या है भाई द स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश वेल अच्छे से अंग्रेजी समझेंगे क्योंकि मदर टंग में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं राइट यूज़ ऑफ अ मदर टंग बाय द टीचर डज नॉट इस्पॉय द इन्वायरमेंट ऑफ़ टीचिंग इंग्लिश इट जस्ट हेल्प इन टीचिंग इंग्लिश जब आप मदर टंग बीच बीच में यूज़ करेंगे तो क्या होगा जो वातावरण जो आपने इन्वायरमेंट क्रिएट किया है ना टीचिंग इंग्लिश का वो इस्पॉय नहीं होगा वो मेन्टेन रहेगा और देखिए दिस मेथड हेल्प्स इन डेवलपिंग फ्लुएंसी ऑफ इन स्पोकन इंग्लिश अब बच्चे जब समझेंगे मदर टंग में तो इंग्लिश बोलने में उनकी फ्लुएंसी आएगी बाइलिंगुअल मेथड आल्सो हेल्प इन गिविंग प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर डिफरेंट स्किल नेमली लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग जो भी इंग्लिश के चार स्किल्स होते हैं उनमें प्रॉपर क्या होगा भाई इनकी प्रॉपर उनकी प्रॉपर क्या होगा भाई आ, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाएगी ठीक है जो भी चार स्किल्स है कौन कौन से डिफरेंट स्किल्स मतलब लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग और राइटिंग तो जब आप उसको मदर टंग में एक्सप्लेन करेंगे तो उनकी चारों स्किल्स डेवलप होगी द यूज़ ऑफ द मदर टंग सेव लॉट्स ऑफ टाइम टू मेक मेक्स लर्निंग ईजी कॉम्प्लेक्स टाइम कैन बी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सन कैन बी इजिली एक्सप्लेन इन द मदर तब देखिए जब आप इंग्लिश को इंग्लिश में समझाएंगे तो थोड़ा तो तो टाइम ज़्यादा लगेगा ऑब्वियस सी बात है तो जब इंग्लिश को आप हिंदी में समझा देंगे तो टाइम भी बच जाएगा और जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जो जटिल चीज़ें हैं ना वो भी आप आसानी से कैन बी इजिली एक्सप्लेन इन द मदर टंग तो ये हो गया बाई लिंग्वेल मैथड का एडवांटेज uh, अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं क्या है भाई यूजिंग दिस मेथड द टीचर टीच इंग्लिश थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज एंड समटाइम ही यूज हिज मदर टंग एंड दिस प्रैक्टिस डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट नहीं समझ में आ रहा है देखिए जब आप इंग्लिश को इंग्लिश में ना पढ़ा कि हिंदी में पढ़ाएंगे तो बच्चों के डाइवर्ट जैसे इंग्लिश का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना वो निकल के नहीं आ पाएगा बच्चे का अटेंशन ध्यान डाइवर्ट भी हो सकता है क्योंकि आप कभी इंग्लिश भी यूज़ कर रहे हैं कभी हिंदी यूज़ कर रहे हैं so, सो वही चीज़ यूजिंग दिस मैथड द टीचर टिच्स इंग्लिश थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज एंड सम टाइम ही यूज यूज हिज मदर टंग एंड दिस प्रैक्टिस डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ ए स्टूडेंट ठीक है नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सम टाइम इट हैपेंस दैट द टीचर ऑफ अ इंग्लिश लैंग्वेज मे नॉट बी गुड इन द बोथ लैंग्वेज समझ में आ रही बात जरूरी नहीं है कि एक इंग्लिश का टीचर दोनों मदर टंग में भी अच्छा हो गुड हो एग्जांपल्स के तौर पे आप अगर किसी केरला के स्टूडेंट से बात करेंगे या केरला के टीचर से तो वो हिंदी में उतने कम्फर्टेबल नहीं होते इंग्लिश में कम्फर्टेबल है लेकिन हिंदी में कम्फर्टेबल नहीं है तो इसी चीज़ को लिया क्या लिखा गया है सम टाइम इट हैपेंस द टीचर ऑफ अ इंग्लिश लैंग्वेज मे नॉट बी गुड इन द बोथ लैंग्वेज ओके ही डज नॉट गेट परफेक्शन इन एनी ऑफ द लैंग्वेज एज ही हिज लेबर ऑल्सो डाइवर्टेड बिट्वीन द टू लैंग्वेज अब उसकी क्या होती है मेहनत तो दो भाषाओं में विभक्त हो जाती है ठीक है तो ये इसका डिसएडवान्टेज हो गया द यूज़ ऑफ अ मदर टंग वाइल टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज में स्पॉयल द कंटिन्यूटी एंड द फ्लुंसी ऑफ अ लैंग्वेज अब यहाँ का क्या मतलब है? कि जब आप मदर टंग का यूज़ करेंगे तो जो फ्लुएंसी है ना जो कंटीन्यूटी है इंग्लिश बोलने की वो थोड़ी बहुत स्पॉय हो जाती है वो खराब हो जाती है It is possible that the few students in the class may be more att attentive to the mother tongue sounds, less attentive uh, English to English sounds. एज a रिजल्ट their pronunciation में be बिकम डिफेक्टिव मतलब देखिए अब भाई हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे अंग्रेजी को तो हो सकता है बच्चे हिंदी पे तो ज़्यादा ध्यान दें मगर अंग्रेजी पे कम ध्यान दें इससे क्या होगा उनकी pronunciation खराब हो जाएगी क्योंकि इंग्लिश को भी वो हिंदी में प्रोनाउंस करना शुरू कर देंगे हिंदी में भी प्रोनाउंस करना शुरू कर देंगे चीज़ें समझ में आ रही बात तो ये हो गया बाई लैंग्वेज मेथड के एडवांटेज और डिसएडवाटेज इसके अलावा भी बहुत एडवांटेज और डिसएडवाटेज है मगर हाँ शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंस है वो मैंने आपको छः पॉइंट्स यहाँ पर रख दिए उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही अब जब चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अब देखिए ट्रांसलेशन मेथड को देख लेते हैं दोनों को हम एक साथ क्यों रखे हैं क्योंकि दोनों बहुत सिमिलर है बस छोटी सी डिफरेंस ये है कि बाईलैंग्वल मेथड में आप इंग्लिश को पढ़ा रहे हैं हिंदी में एक्सप्लेन करके लेकिन इन इसको ट्रांसलेशन मैथड में आप इंग्लिश को एज इट इज़ हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएंगे बच्चों को वर्ड टू वर्ड बताएंगे इसी को ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं इसी को ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी कहते हैं इसी को क्लासिकल मेथड भी कहते हैं समझ में रही बात अब देखिए इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड स्टूडेंट लर्न ग्रामेटिकल रूल्स उन्हें पहले ग्रामेटिकल रूल्स पढ़ाया जाता है देखिए अपने शिक्षा विभाग में यही ज्यादा यूज किया जाता है बच्चों को अगर आप इंग्लिश बोलना सिखाएंगे इंग्लिश पढ़ाना सिखाएंगे तो पहले आप उनको सिखाते हैं कि ट्रांसलेशन बनाओ मतलब जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है ती है आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट चार प्रकार के होते हैं कौन कौन से भाई अब ये लो प्रजेंट सॉरी प्रेजेंट टेंस होगा प्रेजेंट टेंस में चार प्रकार के इंडेफिनिट इंडेफिनिट भी uh, कई अफर्मेटिव नेगेटिव अफर्मेटिव नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड मतलब आप टोटली ग्रामर ट्रांसलेशन बेस बना देते हैं अंग्रेजी को तो वही यहां पे कहा गया है कि इन द ग्रामर ट्रांसलेशन क्लासेस द स्टूडेंट लर्न ग्रामेटिकल रूल्स एंड देन अप्लाई दोज रूल बाय ट्रांसलेटिंग सेंटेंस बिटवीन द टारगेट लैंग्वेज एंड द नेटिव लैंग्वेज आप पहले ग्रामर रूल पढ़ेंगे फिर आप हिंदी से अंग्रेजी में ग्रामर करके ट्रांसलेट करके आप पढ़ेंगे उसको तो ठीक तो है तो 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 इसी को क्या कहते हैं भाई ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं या फिर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं इसमें क्या होता है स्टूडेंट लर्न ग्रामेटिकल रूल्स एंड देन अप्लाई दोज रूल इन बाय ट्रांसलेटिंग सेंटेंसेस बिटवीन इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे टारगेट लैंग्वेज एंड नेटिव लैंग्वेज अच्छा एक और चीज़ देखते हैं क्या भाई स्टूडेंट मे बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट होल टेक्स्ट वर्ड टू वर्ड वर्ड फॉर अब वो पूरे शब्द को ट्रांसलेशन करने लग जाते हैं ठीक है चीके? देर आर टू मेन गोल ऑफ अर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड दो मुख्य उद्देश्य है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के क्या है भाई सबसे पहला वन इज टू डेवलप रीडिंग एबिलिटी टू द लेवल टूवल वेयर द स्टूडेंट कैन रीड लिटरेचर इन टारगेट अब देखिए पहले तो उनकी रीडिंग क्वालिटी को इंप्रूव करनी है कि वो अपने लेटिव लैंग्वेज में वो चीज़ों को पढ़ सके दूसरा क्या है भाई? टू अदर इज़ द डेवलप स्टूडेंट जनरल मेंटल डिसिप्लिन अब उनको एक मेंटल डिसिप्लिन भी डेवलप करना है जिससे वो नेटिव लैंग्वेज में पढ़ के इंग्लिश में ट्रांसलेट करें ठीक है ये दो चीज़ हो गई मेन यहाँ पे है क्या है भाई कि ग्रामर में क्या होता है कि स्टूडेंट को पहले ग्रामर सिखाया जाता है फिर वो अपने नेटिव लैंग्वेज से वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं समझ में आ गई बात अब इसकी फ़ायदा देखिए इसमें फ़ायदा क्या है एडवांटेज इसका यह है कि दिस मैथड इज़ यूजफुल इन 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 द क्लास इन यूजफुल द क्लास विच इज़ देर आर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट जहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ पे ये काफ़ी उपयोगी हो होता है इट इज़ बेनिफिशियल टू यूज़ इन द क्लास वेयर देर आर स्टूडेंट ऑफ अ वेरियस लेवल मतलब जहाँ पे कई लेवल के बच्चे हैं ना जैसे इन बहुत प्रखर बुद्धि के मंद बुद्धि के तो वेरी इंटेलिजेंट एंड नॉट सो वेरी इंटेलिजेंट वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है इट हेल्प्स टीचर मच टू क्लियर मीनिंग ऑफ अ वर्ड एंड सेंटेंस टू स्टूडेंट्स ईजिली ट्रांसलेटिंग दैम इन टू द मदर टंग अब ये क्या करता है भाई टीचर को काफ़ी हेल्प करता है क्योंकि वर्ड बाई वर्ड सेंटेंस बाई सेंटेंस उसको ट्रांसलेट कर दिया जाता है तो बच्चे आसानी से समझ जाते हैं ओके द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी इजिली इफ द टॉट यूजिंग दिस मेथड मतलब इस भाषा में इस मैथड से ट्रांसलेशन मैथड से बिल्कुल आसानी से वो समझ जाते हैं बिल्कुल आसानी से इट ड नॉट कंज्यूम द टाइम टू फिनिश दिलेबस क्योंकि भाई वो बस अपने मातृभाषा में ट्रांसलेट करके पढ़ा रहे हैंड इन द माइंड ऑफ अ लर्नर यूजिंग दिस मैथड जब आप हिंदी में चीजें करेंगे तो अपने दिमाग में जल्दी से उसकी रूपरेखा बना लेंगे दिस मैथड इज यूजफुल फॉर द एवरेज एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट जो भी थोड़ा कमजोर बच्चे है ना उनके लिए भी बहुत उपयोगी होता है इसके बहुत ज्यादा नुकसान है नुकसान क्या है भाई देखिए नो ओवरऑल वर्क प्लेस इन द क्लास रूम ड्यू टू दिस मैथड मतलब आप इंग्लिस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे आपकी इंग्लिस जो कम्युनिकेशन चीज़ है ना वो खराब हो जाती है इंग्लिस की जो ओरल औरल प्रैक्टिस है ना वो खराब हो जाती है जो स्पीकिंग प्रैक्टिस द मेन फोकस रिमेन्स ओनली ऑन द मदर टंग द टारगेट लैंग्वेज रिमेन इग्नोर्ड अब जब आप ट्रांसलेशन करना शुरू हो वही होता ही है जब आप ट्रांस टेंसेसिस और ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा पढ़ाने लगते हैं ना तो कहीं ना कहीं इंग्लिश छूट जाता है बच्चे बस ट्रांसलेशन ही सीखते रह जाते हैं नो स्पीकिंग इन द टारगेट लैंग्वेज समझ में आ रही बात मतलब इंग्लिश में उसमें बातचीत करना बहुत कम हो जाता है द स्टूडेंट डोंट डेवलप द पावर ऑफ थिंकिंग इन द टारगेट अब बच्चे क्या आता है ना ही पहले हिंदी में सोचते हैं फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं ट्रांसलेशन मेथड से तो वो जो इंग्लिश में सोचने की पावर होती है ना द पावर ऑफ थिंकिंग इन द टारगेट लैंग्वेज द पावर ऑफ थिंकिंग इन द इंग्लिश लैंग्वेज में बिकम मेंटली लेजी वो छूट जाता है वो रह जाता है इट डज नॉट हेल्प द स्टूडेंट टू लर्न करेक्ट प्रोनाशिएशन अब वो सही बात है करेक्ट प्रोनाशिएशन नहीं कर पाते हैं बच्चे मेन इंफेसिस ऑन द गिवन द रूल ऑफ अ ग्रामर मेन फोकस कहां चला जाता है ग्रामर के रूल पे चला जाता है स्टूडेंट ट्राई टू डू एवरी थिंग बाई ट्रांसलेटिंग अब बच्चे क्या करते हैं जब आप बच्चे को ट्रांसलेशन मैथड से पढ़ाएंगे तो वो कोशिश करेंगे हर एक सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करें हिंदी में जो कि संभव नहीं है दिस मैथड डज नॉट इन्वॉल्व द स्टूडेंट मेंटली एंड जस्ट लाइक ए स्टोरी टेलिंग मैथड मतलब क्या भाई बस आसानी से, अंग्रेजी से हिंदी में बना लिया और हिंदी से अंग्रेजी में बना लिया स्टोरी टेलिंग हो जाती है आपके मस्तिष्क दिमाग को उतना ज्यादा डेवलप नहीं कर पाती तो ये हो गए दोस्तों इसके उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ गई होगी कि ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है आ, अपने पहले ग्रामर सीखते हैं फिर ग्रामर सीखने के बाद अपने मदर टंग को आप टारगेट लैंग्वेज यानी कि हिंदी को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं ये इसकी डिसएडवांटेज और एडवांटेज आपने देख लिया और साथ ही साथ आपने बाईलैंग्वल मेथड मतलब दो भाषा है इसमें फ़र्क देखिए अगली वीडियो में हम इसका डिफरेंस करेंगे ठीक है इसकी फ़र्क देखिए फ़र्क क्या है भाई आप बाईलैंग्वेल लैंग्वेज में इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं लेकिन आप हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं जबकि ट्रांसलेशन लैंग्वेज में आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं ग्रामर के हेल्प से तो उम्मीद है बाई और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ये समझ में आ गई होगी अगर चीजें समझ में आ रही हो तो प्लीज आप एक बार लाइक करके चैनल से और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और प्लीज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जुड़ जाइए इन तीनों को हम यहां पे डिस्कस कर चुके हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा यह मेथड ओके बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत